वंस अगेन यू आर वेलकम इन क्लास ऑफ एटीमोलॉजी। आइए फिर से एक नए क्लास के साथ आपका स्वागत है। हम लोग एटीमोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर के क्रम में आप फेस करते हैं प्रॉब्लम, वोकैबुलरी का प्रॉब्लम आपको आता है, शब्द भंडार आपको, एंटोनिम्स प्रॉब्लम आता है, सिनोनिम्स प्रॉब्लम आता है, यू फेस द प्रॉब्लम फॉर वर्ड इन सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज यू फेस द प्रॉब्लम ऑफ कम्प्रिहेंसन इन द पैसेजेज। आप पैसेज पढ़ते हैं तो आपको जो प्रॉब्लम आता है वर्ड पावर का प्रॉब्लम आता है। तो वर्ड पावर को पढ़ने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वह है एटीमोलॉजी। और कम समय में यदि अधिक अपना वर्ड पावर बढ़ाना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई भी आइडिया नहीं है। चूँकि यह ग्रामर का दूसरा भाग है, अगर हम पांच डिवीजन ग्रामर का जानते हैं, ऑर्थोग्राफी, सिंटेक्स और एटीमोलॉजी, प्रोसोडी एंड पंक्चुएशन, तो उसमें एटीमोलॉजी का स्थान आता है जिसमें कि हम उसके फॉर्मेशन को जानते हैं, किस तरह से नए शब्द बना दिया जाए, किस तरह से हम उसके मीनिंग को जान लें, किस तरह से हम उसके ओरिजिन को जान करके और नए शब्दों का निर्माण करें, तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे। और जो रूट वर्ड के द्वारा, जो आज का रूट वर्ड होगा वह होगा जू। जू मीन्स देखेंगे क्या होता है। जू, जू मीन्स होता है एनिमल, एनिमल जानवर, जिसमें जान हो, जिसमें एनिमेशन हो। एनिमा मीन्स होता है लाइफ होता है और जू मीन्स एनिमल होता है। तो यह जो है रूट वर्ड से जो बनने वाले शब्द आएंगे, एनिमल लिविंग बींग इसको हम भी कह सकते हैं अगर इस तरह से और देखा जाए तो। लिविंग बींग यानी कि जो सजीव है, जिसमें जान है, वो होगा। तो ये बनने वाले वर्ड्स कुछ हम देखते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी में जू रूट वर्ड है और लॉगस लॉजी है। तो जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, हम इसमें जो है पढ़ते हैं जानवरों का अध्ययन यानी कि जंतु विज्ञान, जूलॉजी। अब देखते हैं जोडियक, जोडियक, जोडियक जो होता है साइन, साइन ऑफ एनिमल्स, साइन ऑफ एनिमल्स, इस पर अगर हम नज़र दौड़ाएं, अगर कुछ बात करें तो जोडियक राशिफल हिंदी में इसको कहते हैं। राशिफल, आठ राशियां होती हैं। राशियों का मतलब है कि वह एनिमल्स का ही वह कोई ना सिंबल होता है जिसके द्वारा किसके फ्यूचर के, किसी के फॉर्चून को बताया जाता है या उसको आइडिया लगाते हैं या एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है। तो जैसे ये वृश्चिक, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियन, यानी कि वह किसी न किसी रोमन नेम होता है, एनिमल्स के नेम होता है। तो इस तरह से जोडियक मीन्स होता है साइन ऑफ एनिमल, यानी कि राशियाँ, यानी कि राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, ये राशियाँ होती हैं। जूफोबिया, देखिए अगर ये नया शब्द है जूफोबिया, फोबिया जो रूट वर्ड है, फोबिया मीन्स फियर होता है, तो जूफोबिया फियर ऑफ एनिमल्स, किसी एनिमल से डर, इसको हम जूफोबिया कहते हैं, एनिमल से डर, जूफोबिया। जू मीन्स एनिमल। और फिर हम देखेंगे जू, जूफेगस, जूफेगस, जूफेगस होता है, फेगस का मतलब होता है ईट करना, है ना। एनिमल, एनिमल फीड्स ऑन एनिमल्स, ऑन एनिमल्स, ऐसे जानवर जानवरों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसको जो है हम प्रीडेटर्स जो होते हैं जूफोबिक होते हैं, जैसे लायन है, जूफोबिया, जूफेगस है, वह दूसरे जंतुओं को खा करके अपना बढ़ाता है। इसके बाद है जू, जूफाइट, जूफाइट, तो जूफाइट जो होते हैं एनिमल्स रिजेंबल्स, रिजेंबल्स प्लांट्स,
ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि लगता है कि वह कोई ना कोई पौधा है, कोई ना कोई जो है प्लांट से उसका आकृति मिलती जुलती है, तो उस तरह के जूफाइट नाम दिया गया है। इसके बाद है जूथिस्ट, जूथिस्ट, जू मीन्स होता है एनिमल, अथियोज मीन्स गॉड, और आईएसटी जो लगाया वन हु, वन हु वर्शिप, वन हु वर्शिप एनिमल्स एज गॉड, भगवान की तरह से अगर किसी हम एनिमल को मानने वाला कोई व्यक्ति हो तो वह जू थिस्ट कहलाता है, वह जू थिज्म की थ्योरी को मानता है। जैसे हिंदुइज्म में कई ऐसे थ्योरीज हैं जो जू थिस्ट कहा जा सकता है, जू थिज्म कहा जा सकता है, काऊ का वर्शिप होता है, उसमें ऑक्सन का वर्शिप होता है, कई इस तरह से एनिमल्स का वर्शिप किया जाता है और वर्शिप करने वाला व्यक्ति जूथिस्ट कहलाता है। तो यह आपको अच्छा लगा होगा कि जूथिस्ट वन हु वर्शिप्स एनिमल्स एज गॉड, भगवान की तरह से पूजा करता हो। और जूटी एक शब्द देखने को आ रहा है, जूटी, तो जूटी जो होता है, जूटी मीन्स फ्लेसी, फ्लेसी इसको हम सोवी भी कह सकते हैं, भड़काऊ, भड़काऊ दिखाऊ, यानी कि जो दिखावटीपन होता है उसके लिए जूटी वर्ड आता है। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से जू रूट वर्ड से नए शब्द बनाए हम लोग, और हम लोग फिर एक बार फिर इसको मैं रिवीजन कर रहा हूँ और आपको अच्छा लगेगा, आई थिंक यू विल एंजॉय। जू मीन्स एनिमल, लिविंग बींग होता है, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, जोडियक साइन ऑफ एनिमल्स जो कि राशि राशिफल होते किसी न किसी एनिमल से ही, वो रोमन ग्रीक या जो एंशिएंट टाइम्स के कोई एनिमल्स रहे उसी के नेम पर पड़ा हुआ है। जू फोबिया फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से डर, कोई व्यक्ति जानवरों से डर जाता है, जैसे मकड़ी से कोई डर गया तो मकड़ी से जो है जू फोबिया हो गया। जू फेगस यानी कि एनिमल फीड्स एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, दैट इज कॉल्ड जू फेगस। जू फाइट एनिमल्स रिजेंबल्स प्लांट, ऐसे जू फाइट ऐसे एनिमल्स होते हैं तो लगेगा कि वह जो कोई ना कोई पौधा है, वो समझ में नहीं आता, वो ऐसे उस तरह का उसका बनावट होता है, नेचुरल उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जू फाइट कहलाता है। जू थिस्ट वन हु वर्शिप एनिमल्स एज गॉड, किसी जानवरों को ऐसे पूजा करना जो भगवान के रूप में मानता हो, उस तरह के व्यक्ति को जूथिस्ट कहते हैं और जूथिज्म थ्योरी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है जूटी यानी कि फ्लेसी, और सो भी मैंने कि वह जो कोई ना कोई इस तरह से दिखावटीपन होता, भड़काऊ होता, मनुष्य एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि कहा गया ना कि आप एनिमल हैं कि नहीं, एनिमल मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसमें प्राण है, आप अपने को एनिमल जानवर मत समझ लेना क्योंकि एनिमल मीन्स प्राणी होता है, वेयर देयर इज लाइफ। अकॉर्डिंग टू अरस्तु अरिस्टोटल मैन इज सोशल एनिमल बाय नेचर, और वह सामाजिक प्राणी होता है, तो हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग जानवर हैं जिसमें जान है। तो इस तरह से आज का जो एटिमोलॉजी क्लास रहा इतना ही रहेगा, फिर हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे। इसके पहले यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, इस तरह से जल्दी हम लोग वर्ड सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।